बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई एम इब्राहिम ममा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इब्राहिम ममाज क्रिएशन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। सो लेट्स गो स्टार्टेड द वीडियो। बट वेट, इतनी जल्दी वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, इतनी जल्दी तो रेसिपी नहीं बताएंगे। आप लोग कुछ भूल रहे हैं शायद। जी यस, याद आया जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर दफ़ा की तरह इस बार भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पे लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो जल्दी से जाइए और मेरे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ में एक छोटी सी बेल होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक किया करें क्योंकि जिस उसके क्लिक करने से मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जी, आप लोगों के साथ आज फिर मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों के साथ एक सामने एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन अगवानी ग्रेवी। अच्छा जी, और जो मेरी यूट्यूब की फैमिली ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। यू डोंट फॉरगेट क्लिक द बेल आइकॉन, ठीक है? यू मस्ट हैव क्लिक द बेल आइकॉन बिकॉज आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी वीडियो का फीड मेरी वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलिए जी, तो वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट द रेसिपी। जी आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसका नाम है चिकन अगवानी ग्रेवी। अभी कैसे बनती है और कितनी यमी होती है ये तो आप मेरी वीडियो देख के बताइएगा, और यमी कैसी होती है, कितनी यमी होती है ये आप मुझे घर में बना के मुझे इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 kg चिकन है ये मेरे पास, और उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो के स्टैंडर में रख दिया था, ये ड्राई हो गया था। अब मैंने इसको ले लिया एक बड़े से बाउल में और मैंने इसमें लगा लेने हैं कट, बड़े बड़े से कट लगा लेने हैं, बड़े बड़े पीसेस पे जितने भी आपके पास है अच्छे बड़े बड़े से डीप कट लगा लीजिएगा आप इसे, और बहुत अच्छी तरीके से कट लगा के इसको रख दीजिएगा, ठीक है? ये देख लीजिए, मैं सारे जितने भी मेरे पास ज़रा बिग साइज़ के बड़े बड़े पीसेस हैं ना उन सब में मैं कट लगा रही हूँ। स्पेशली जो लेग पीस होता है उसमें भी आप लाजमी ज़रा डीप कट लगाइएगा ताकि जो है हमारा जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके अंदर तक जो है ना जूसी चिकन बनेगी ये बहुत मज़े की। चलिए जी, तो अब ये ऑलमोस्ट मैंने कट लगा के डन कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 lemon का जूस। लेमन डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ, मैंने पहले से कुछ भी निकाल के नहीं रखा हुआ, मैं आपको हैंड टू हैंड सब कुछ डाल के दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए, ये मैंने नींबू डाल दिए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं भूल गई थी कि सॉरी बीच निकालना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट जो है वो मैं अपना हाथ रख लूँगी इस पर और फिर वो नींबू का रस डाल दूँगी, तो जिसपे बीज जो है वो सारे मेरे हैंड पे आ जाएंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के अच्छे बड़े साइज़ के जो रस वाले बिल्कुल लेमन होते हैं ना नींबू होते हैं वो मैंने ले लिए और उसका मैं जूस डाल दूँगी इसके अंदर। ये देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने चारों साइड जूस को लगाना है ताकि पूरे चिकन में अच्छी तरीके से जूस मिक्स हो जाए। मैंने बड़े साइज़ के नींबू लेके जूस निकाल लिया है सारा इसका। मैंने इंग्रीडियंट्स कुछ भी पहले से निकाल के नहीं रखे, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं, बस मैं आपको हैंड टू हैंड डालती जाऊंगी और सब कुछ आपको बताती जाऊंगी जल्दी जल्दी। और अब मैं इसके नींबू को बहुत अच्छी तरीके से सब में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है नींबू का जितना भी रस है वो तमाम पूरी चिकन में जो है वो लग जाए। 2 kg चिकन ली है मैंने, 2 kg चिकन में मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन ले लिए थे, बिग साइज़ के लेमन अच्छे रस वाले जो होते हैं ना भरे हुए वो ले लिए थे, और मैंने उसको इसमें डाल दिया है। बीच में नहीं निकालने लें हैं लेमन की और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसको रख देंगे हम साइड में और आएंगे सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप की तरफ मैं आ रही हूँ जी। तो अब मैं ले लेती हूँ, 1 बड़ी प्याज है मेरे पास, 1 गड्डी हरा धनिया है और 15 से 20 जो है मेरे पास पतली वाली हरी मिर्चें हैं जो बहुत थोड़ी स्पाइसी होती है ना उस वाली हरी मिर्चें, और इसका मैं बना लूँगी मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट, ठीक है? तो इसको हम कर लेते हैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड और उसका बना लेते हैं पेस्ट। चलिए जी, ग्राइंड कर लेते हैं इसे हम।
चलिए जी, जो पेस्ट बनाया था वो मैंने रख दिया। अब वापस हम चिकन की तरफ आ गए हैं। चिकन में मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि 2 kg चिकन है तो ज़्यादा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, और 1 खाने का चम्मच लूँगी मैं पिसी हुई काली मिर्च। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 खाने का चम्मच जो है मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च। अब ये मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। ये सब 1-1 खाने के चमचे हैं। बाकी जो स्पाइसेस के इंग्रेडिएंट, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं रेसिपी। अब ये 1 खाने का चमचा मैंने डाल दिया है गरम मसाला, ठीक है। 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा जो मैंने डाला है ज़ीरा, 1 खाने का चमचा गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 खाने का चमचा चाट का मसाला जो मैंने लास्ट में डाला है। चलिए जी, तो ये मैंने डाल दिए हैं 2 खाने के चमचे भर के लहसुन, लहसुन का पेस्ट, और अब मैं डाल दूँगी इसके साथ ही 2 खाने के चमचे अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चमचे अच्छी तरह भर भर के हमने डालना है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैंने जो प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनियों का पेस्ट बनाया था, हरा धनिया का, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसको हम कर देते हैं एक साइड में बाउल को। ये मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं, तमाम स्पाइसेस और जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिए। अब हमने ये ले लिया है, ये मैंने ले लिया है 1/2 kg दही, और इसको अच्छी तरीके से मुझे बीट कर लेना है। दही को इतना बीट करना है अच्छी तरीके से कि उसमें लंग्स ना रहे। अब ये मैंने क्रीम ले ली है, और मैंने लिया है मिल्क पैक क्रीम, और इसका मैंने 1/2 बॉक्स लिया है, तकरीबन 1/2 बॉक्स तक मैंने ले लिया था। और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी कि इसमें दही में और क्रीम में लंग्स कोई भी ना रहे और ये मिक्स हो जाए। अब ये मैंने मिक्स करके ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, ये मिक्सचर भी इसके अंदर डाल दिया है। तो जी, इसके अंदर आप ऐड कर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, ये मैंने थोड़े ज़्यादा बड़ी स्पून में लिया, बाउल उसमें लिया है 1/2 कप वाले उसमें, लेकिन डाला मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। तो आप लोग भी ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको ऑयल फ्राई करने लगेंगे तो जब भी हम ऑयल में ज़्यादा पकाएंगे तो ज़्यादा ऑयल इसमें मत डालिएगा, और उसमें ऑलरेडी क्रीम और दही बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। अब मैं इसके अंदर ग्लव्स पहन के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ग्लव्स पहन लीजिएगा लाजमी, क्योंकि इसमें आपने ग्रीन चिली पीस के डाला है तो उससे आपके हाथों में मिर्चें लग सकती हैं, और स्किन जिसकी सेंसिटिव हो तो उसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। मैंने भी अच्छी तरीके से ग्लव्स पहन के, अच्छा इसे मिक्स हमने जो करना है ना बहुत अच्छी तरीके से करना है, ताकि चिकन का जो भी हमने जितने भी स्पाइसेस हमने सारे लिए हैं वो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और ये बहुत जूसी सा बन जाए। अब जी, ये मेरा हो चुका है मिक्स, और इसको मैं रख दूंगी 3 आवर्स के लिए फ्रिज में। अच्छा जी, तो यहाँ मैं बताता चलूँ, थोड़ी सी वीडियो जो है मेरी वो बनी नहीं है, और मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है, लेकिन मेरा जो मोबाइल का कैमरा था वो ऑफ था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक जो फ्राई पैन में है वो ऑयल ले लिया था, और चिकन के तमाम पीसेस को निकाल के ये इस तरीके से फ्राई कर दिया है मैंने। और दूसरी तरफ मैंने एक पॉट में जितना भी मसाला बचा था ना, सारा ग्रेवी, जितनी भी उसकी मसाला जो मैरिनेट होने, मतलब चिकन निकालने के बाद, पीसेस निकालने के बाद जितना मसाला बचा था, वो अलग थोड़े से ऑयल में लेके मैंने अलग पकाने के लिए रख दिया है, ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह मैं तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लूँगी, जैसे मैंने अभी आपको पैन में दिखाया, मैं इसी तरीके से चिकन के तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँगी। और अच्छी तरीके से फ्राई करना है, हमने सिर्फ 20% इसकी जो है ना कुकिंग छोड़ देनी है, ताकि चिकन जो है 20% तक ना गले, 80% तक ऑलमोस्ट गल जाए, और दोनों साइड से अच्छी तरीके से करके हमें पकाना है इसको। एक्चुअली रिकॉर्ड में मैं समझ रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और वो रुक गया था ना, तो बीच में स्टॉप हुई हुई थी वीडियो, और मैं समझ रही थी कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो इसलिए थोड़ा सा रह गया। अब ये मैं चिमटे से थोड़ा सा पलट रही हूँ, इस वक्त मेरे हाथ में जल्दी जल्दी चिमटा आया तो मैंने चिमटा ही ले लिया। आप अच्छी तरीके से पलट लीजिएगा, और ये चिकन मेरी ऑलमोस्ट ज़्यादा फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है तमाम चिकन के पीसेस को। और अब जो है मैं इसको डाल दूँगी उस मसाले में जो मैंने अलग से पॉट के अंदर रखा था, ये मैंने ये ग्रेवी जो बनाने के लिए रखी थी ना अलग से, तो ये मैंने अलग से इसमें डाल दिए, तमाम चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिए, और ऑलमोस्ट हमारा जो है चिकन ग्रेवी रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर अब जो 20% हमारी चिकन गलना रह गई थी बाकी, वो इसके अंदर गलाऊंगी मैं पका के, और हमारा चिकन अफगानी ग्रेवी रेडी हो जाएगा। और ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, बहुत सबको बहुत पसंद आया था,
तो आप लोग भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से बीच में चलाते रहेगा, इतना चलाएगा कि चिकन टूटे भी नहीं और आराम से आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको कुक करते रहिएगा। ये देख लीजिए ग्रेवी भी बन गई इसकी और चिकन, अगर आप चाहें तो चिकन ऐसी भी फ्राई कर सकती हैं, ग्रेवी अगर आप लोगों को नहीं चाहिए हो तो वो मसाला जो है फिर आप वेस्ट कर दीजिएगा जो आपका स्पाइस बचे मसाला, लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप जो है दही और क्रीम थोड़ी ज़्यादा लेके इसी तरीके से क्रीम का जो है ना ग्रेवी अलग से पका लीजिएगा और फिर इसके अंदर तमाम चिकन को फ्राई करके उसमें डाल दीजिएगा। तो ये बहुत मज़े का बना था, इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें देने लगी हूँ कोयले की धुनी, ठीक है, कोयला रख के बीच में मैं इसमें जो इसमें मैं इसकी स्मोक दे दूँगी कोयले की। और ये मेरा तो लीजिए रेडी है मज़ेदार से चिकन अफगानी ग्रेवी। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। चलिए जी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। और मुझे मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो का एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे, तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। सब अपनी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।